केंद्र सरकार भारतीय सेना तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों तथा आश्रितों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एवं सहायता प्रदान करती आई है। लेकिन 1962 में चीन भारत युद्ध में शहीद हुए ऊना जिला के चिंतपूर्णी के नायक रविंद्र शर्मा की पत्नी पुष्पा रानी के पास ना ही जमीन है और ना ही अपना मकान है। देश के नाम कुर्बानी देने वाले इस सैनिक की पत्नी को चंडीगढ़ में आरएस मास मंदिर में शरण लेनी पड़ी है। वह पिछले 10 वर्षों से वहीं पर रह रही हैं। 10 वर्ष पहले गिरने के कारण चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी, जिस वजह से उनके परिजनों ने उसे मंदिर में रहने के लिए छोड़ दिया था। सैन्य केंद्र सोलन में भारतीय सेना की पाइन डिवीजन के जीओसी द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के लिए आयोजित विशाल रैली में भाग लेने पहुंची थी। पूर्व सैनिक रैली में भाग लेने आई पुष्पा रानी ने मीडिया से हुई बातचीत में बताया कि पति के शहीद होने के बाद उसके बेटे की भी मौत हो गई थी। वह ऊना जिला के चिंतपूर्णी की रहने वाली है, लेकिन वह कई वर्षों तक शिमला में रही, लेकिन वह पिछले एक दशक से आर्यस मास मंदिर में रह रही है। सैनिक वोट कल्याण से गुहार लगाई है कि उनकी देखरेख के लिए एक अटेंडेंट रखने के लिए भत्ता एवं सरकार उसे जमीन या फिर मकान उपलब्ध करवाए तो आराम से अपना जीवन काट सकती हैं। हम तो हिमाचल के हैं, पर उधर से तो हम नामोनिशान नहीं है। हम मैं चंडीगढ़ रहती हूँ, गिर गई थी ना, मैं शिमला रहती थी भी, मैं हूँ गिर गई है, तो मैं 10 साल से वहीं रहती हूँ मंदिर में। बच्चा कोई नहीं है, तो मैं इतने चले फिर जनता किसी ने लेके आई हूँ। हाँ जी, मांग तो नहीं मैं करी भी होंगी, पर सुनी नहीं होंगी ना, पर है बस मंदिर में रहती हूँ। तो अभी मेरे से सहारा भी कोई नहीं, एक बेटा था वो भी खत्म हो गया, तो अब हाँ पेंशन मिलती है। अब मेरे को हेल्पर के लिए थोड़ी सी हर महीने में पेमेंट मिलनी चाहिए। मंदिर में क्यों रह गए, क्या वजह? मंदिर में ये क्या, अब मंदिर में ऐसे ही थी, मैं गिर गई थी ना। अच्छा। मैं से चढ़ा नहीं जाता था, फिर रिश्तेदारों ने मंदिर में पहुंचा दिया कि वहाँ जाओ। सेना से चाहती हूँ कि मैं चल फिर नहीं सकती, मेरा बेटा तो भी खत्म हो गया, जब मेरे को सर्वेंट के लिए पेमेंट होनी चाहिए हर महीने, अपना मकान मिल जा रहा, ठीक है।